दूसरा सलाम उस भारत माँ की मिट्टी को, और तीसरा सलाम गाय माँ जिसकी हम पूजा करते हैं। धर्मशाला की क्रांति एनजीओ हर रोज गाय माता का सड़कों पर भी उपचार शुरू कर देता है। इनके वीडियो शायद आपने कभी देखे ना हो, लेकिन धर्मशाला के धीरज महाजन और उसकी टीम को जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस पर इन कार्यों के लिए रहन में सम्मानित किया गया। वहीं एक 15 वर्षीय बच्चा सूर्यांश, जिसने जानवरों तथा पर्यावरण को बचाने का मुद्दा व जिम्मा संभाला है। जिस उम्र में बच्चे आजकल फोन के साथ खेलते हैं, उस उम्र में ये 15 वर्षीय बच्चा जानवरों तथा पर्यावरण की सेवा कर रहा है तथा इस उद्देश्य से क्रांति एनजीओ से जुड़ गया है। मिला ये सम्मान सिर्फ केवल हमारा ही नहीं है, ये हर उस एक हर एक एनिमल लवर का है जो जानवरों से प्यार करता है, उनसे दुर्व्यवहार नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हिमाचल में या ऑल ओवर इंडिया अगर कहीं पर जानवरों पर अत्याचार हो रहा हो, हिंसा हो रही हो, तो क्रांति एनजीओ को ज़रूर आप बताएं। हमारा लक्ष्य ये होगा कि हम उन इंसानों पर कार्रवाई करवाएँ, और अगर आप जानवरों से प्यार नहीं करते हैं तो उनको दुत्कारे ना, उन्हें मारे ना। तो यही हमारा एक क्रांति एनजीओ का एक मैसेज है। देखिए सरकार से तो हम बाद में कहेंगे, लेकिन हम उन लोगों को कहना चाहेंगे जो कि गायों को छोड़ देते हैं। पिछले 1.5 साल में तकरीबन 160 गायें जिन्होंने लोगों ने दूध देने के बाद जो सड़कों पर छोड़ी हैं, उनको हमने टैग के माध्यम से घर तक पहुँचाया है। सरकार बाद में काम करेगी, लोगों में अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी, डर नहीं आएगा, तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और हम लोगों ने, क्रांति ने एक शुरुआत की है, एक गाय को, बेसहारा गायों को उनको घर वापस पहुंचाने की। ये समस्या आज हर एक इंसान की है, जो जानवरों से प्यार नहीं भी करता है उसकी भी समस्या। एक व्यापारी जिसकी दुकान के बाहर कोई गाय कोई बैल आपस में लड़ पड़ते हैं, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्टर्ब कर देते हैं, कोई आए दिन आप बरसातों में देखते हैं कि कोई बाइक वाला कोई गाड़ी वाले का एक्सीडेंट हो जाता है जिसको गाय नज़र नहीं आती। तो सरकार तो बाद में काम करेगी, पहले हम आम लोगों को घर से निकलकर काम करना है इन पशुओं के लिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, लीकर जो लोगों को पता नहीं है, 1% जो सेस है, अगर आप बॉटल पर देखेंगे 0.1% जो सेस है वो हिमाचल सरकार को जाता है लीकर का हर दिन। और अभी हार्डली 2 महीने पहले एक और रूल पास हुआ है, 500 रुपया 2-व्हीलर पर काउ सेस जाएगा और 1,000 रुपया 4-व्हीलर पर जाएगा। और ये हमें समझ नहीं आता ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि सड़कों पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सरकार सिर्फ इनकी लाशें उठाने के लिए ही आती है, और जिंदा जब हो तो कहते हैं कि गौ सदन वहाँ पर जगह फुल हो गई है। अगर वहाँ पर जगह है तो कोई उपचार करने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। हम सबको मिलकर ही कुछ करना है, यही एक मैसेज है। तो देखिए बात, हमें पता ही नहीं चला ये एनजीओ कब स्टार्ट हो गया। पिछले लॉकडाउन में हम 2-4 लोग शुरू हुए थे, और आज तकरीबन पूरे देश में, मैं कह सकता हूँ वेस्ट बंगाल में भी हमारे साथ 15 से 20 लोग जुड़े हैं, तो पूरे हिमाचल के और थोड़ी सी और जगह के गिनाए तो 1,200-1,250 युवा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। न्यूज़ के लिए फतेहपुर से विजय सम्याल की रिपोर्ट।